डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। शुक्ला भाग 8 अभ्यास संख्या 74। सभापति महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सदन में जो कुछ भी हुआ वह सदन की गरिमा के खिलाफ है। यह बात केवल आज की ही नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। मैं जब भी किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ तो मुझे बोलने को नहीं दिया जाता है। मैं पिछले कई वर्षों से इस सदन में सुनकर चुनकर आता रहा हूँ और कई माननीय सदस्यों को मालूम है कि मैंने सदन में कभी भी ऐसी बात नहीं कही जिससे सदन के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान हुआ हो। इसके बावजूद भी मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। इस बात का मुझे बहुत दुख होता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि मंत्री महोदय को इस घटना के बारे में जानकारी दी जाती तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें सदन में न होती। पैरा महोदय, आपको पूरा सहयोग देने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आपको प्रत्येक सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। जैसा कि अभी हरिजन भाइयों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा चल रही है, तो मेरे पास कुछ ऐसे तथ्य थे जिन्हें मैं सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था, लेकिन मेरे हिस्से इतना कम समय आया है कि मैं इतने कम समय में कुछ कहने में असमर्थ हूँ। प्रजातंत्र में विरोधी दल भी एक प्रकार से सरकार का अंग होता है, इसलिए विरोधी दलों को भी अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए और सरकार के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। आज जिनके हाथ में सत्ता है, यदि वे ही विरोधी दल के सदस्यों को बोलने का मौका नहीं देंगे तो विरोधी दल के सदस्य किस प्रकार सरकार के साथ सहयोग करेंगे। मुझे खेद है कि प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस संबंध में विरोधी दलों को कोई आश्वासन नहीं दिया है। भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है तो हम चाहते हैं कि सदन का काम सुचारू रूप से चले और जनता की भलाई के कामों के लिए हम सरकार को पूरा सहयोग दें। पैरा महोदय, आज़ादी की लड़ाई के बाद हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना की गई। आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय हमारे देश के नेताओं ने यह सोचा था कि देश में समाजवाद की स्थापना की जाएगी तथा जनता की भलाई के कार्यों को प्राथमिकता
दी जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम उस दिशा की ओर नहीं जा रहे हैं। हमारा सपना था कि इस देश में किसानों और श्रमिकों का राज होगा तथा इसी सपने के साथ इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की गई। आज जो हरिजन भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न किया जाना चाहिए, तभी हम अपने सपने साकार कर पाएंगे। स्टॉप।